काम है, मुझे नहीं देखना देना। और सुन, वो टोनी तांगे वाला मेरा सलवार देने के लिए आएगा, जा दरवाजे पर नजर रख। तो दरवाजा बंद कर दूं? क्यों? अरे ढूंढते ढूंढते कहीं टांगा लेकर अंदर चला आया तो? नहीं नहीं, अब ऐसा कर, तो ऊपर जाके ना लाइट जला के आ। क्यों? क्यों क्या, अगर टांगा लेके अंदर आ गया और फिर ऊपर चला गया तो अंधेरे में जाके टकरा नहीं जाएगा? तुम भी दीदी, कहां से कहां टांगे को लेके जा रही हो, कुछ तो कम रखो। अरे ये टोनी तांगे वाला नहीं है, तांगे वाला उसका सरनेम है, जा ध्यान रख। अच्छा ठीक है। मिक्की, ओ मिक्की, कहां चली गई? टोनी ही होगा। अच्छा है टाइम पे आ गया। अरे ये क्या? मिक्की ठहर जा, अभी बताती हूँ। क्या कर रहा है? सुबह से ढक्कन नहीं खुल रहा है, उल्टा घुमा। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कि आराम करो, मन को बिल्कुल शांत रखो, और बोला कि लोगों को मिलते जुलते रहो। मैं तो कहती हूं कि एक महीने की जॉब से छुट्टी ले ले, एक वीक की ले ले, अरे कहीं घूम आओ, टूर ले ले। नहीं नहीं, टूरिस्ट प्लेस पे नहीं जाना है, दिमाग घूम जाता है, टूरिस्ट प्लेस पे नहीं जाना है मेरे को। तो फिर लिंसबर्ग चला जा, बड़ा सुहाना प्लेस है, बिल्कुल शांत, एक दो लोगों से मेरी पहचान भी है, मिल आना, अगर पसंद आए तो ठीक, वरना बाय बाय कह देना। अभी सोचता क्या है, यही तो परेशानी है, छोटी छोटी बात पे लंबा लंबा सोचता है। मैं तेरी टिकट निकलवाती हूँ और मेरी फ्रेंड को कागज भी लिख देती हूँ। Stopping at Morris Plains, Denville and Dover, please stand back from the yellow line. Please watch the gap between the train and the platform when boarding. नहीं नहीं ठंडी होने दे, नहीं तो फिर जाने दे। ठंडी करके पीऊंगी, दे दो ना। ठीक है ठंडी करके पीना, मैं फ्रेश होके आती हूँ। ओके। सुन, होमवर्क हो गया तेरा? अरे यार प्रोफेसर देते ही नहीं होमवर्क। कुछ नहीं सुनना मुझे, सब समझ आता है। अरे सुनो,
सुनना तो आपको पड़ेगा ही। आप फ्रेश हो क्या? आओ फिर मैं आपको सारी स्टोरी सुनाती हूँ। मेरा नाम फ्रैम्पटन। ओ, फैंटम? जी नहीं नहीं, मेरा नाम फ्रैम्पटन है। ओ, फ्रैम्पटन। जी जी, मैं कैथी से मिलने आया हूँ। ओ, मैं मिकी हूँ। कैथी दीदी तैयार हो रही है, आइए ना अंदर। दीदी अभी आती ही होंगी फ्रेश होके। जी। बहुत गर्म है, जल जाओगे। रख दो नीचे, बहुत गर्म है अभी। मेरी कॉफी। वैसे आपको बहुत सालों से पहचानते होंगे। जी, मैंने तो उनको देखा तक नहीं है। अच्छा, आपकी दीदी मेरी बहन की फ्रेंड है। ओ, तो आप यही कहीं पास में ही रहते होंगे। नहीं नहीं, मैं तो न्यूयॉर्क से आया हूँ घूमने। घूमने? तो चलो फिर। कहाँ? मेरा मतलब चलो, अच्छा हुआ। आप सोच रहे होंगे कि इतनी गर्मी में ये डोर क्यों खुला है। नहीं नहीं, मेरा तो उस तरफ ध्यान ही नहीं गया। नहीं, लेकिन फिर भी आपको बताना तो पड़ेगा। इतना बड़ा है कि हाँ, बड़ा तो है। नहीं नहीं, सुनो, मैं ये डोर की बात नहीं कर रही हूँ, एक हादसे की बात कर रही हूँ। हादसा? हाँ। कैसा हादसा? अरे, बहुत बड़ा हादसा हुआ था। आपको पता है, बराबर 3 साल पहले आज के ही दिन मेरे जीजा शिकार पे गए थे, इसी डोर से निकल के। शिकार के पीछे पीछे अनजाने में बहुत घने जंगल में चले गए, और जहां रात और दिन का तो पता ही नहीं चलता। उनके पास कोई हथियार? हथियार का क्या करना, अंधेरे में कुछ दिखे तो हथियार चलाए ना। क्या शेर आ गया? अरे, शेर आता तो अच्छा होता, लेकिन तो क्या भूत आ गया? हाँ, भूत अच्छा है। भूत अच्छा है? नहीं, मेरा मतलब भूत होता तो अच्छा होता। तो फिर क्या बताओ? बहुत ढूंढा उन लोगों को, पर उनका पता ही नहीं चला। हमें लगता है कि वो जंगल के दलदल में समा गए। उनके साथ बहुत बुरा हुआ। उनके साथ तो बुरा हुआ, लेकिन उससे ज्यादा बुरा मेरी दीदी के साथ हुआ। दीदी के साथ? हाँ, और उसी दिन से मेरी दीदी विचारों के दलदल में फंस गई। और आपको पता है, उसी दिन से चाहे सर्दी हो या गर्मी, मेरी दीदी ये दरवाजा हमेशा खुला रखती है कि एक दिन वो जरूर वापस आएंगे। और आपको पता है कि सॉरी फॉर कीप यू वेटिंग लॉन्ग, मिक्की के साथ मजा तो आया ही होगा, बहुत शैतान है। मेरे हस्बैंड हंटिंग पर गए हैं, बस आते ही होंगे।
और कैसे हैं आप? क्या हालचाल है? जी बढ़िया। मेरे हस्बैंड जब भी हंटिंग पर जाते हैं इसी डोर से आते हैं और इतनी धूल मिट्टी साथ में लेके आते हैं। अरे बाबा, धूल मिट्टी तो छोड़ो, साथ में खून के छींटे भी लेके आते हैं। डॉक्टर ने मुझे आराम करने की सलाह दी है, नो मेंटल एक्साइटमेंट, और दिमाग पे जोर डालने की भी मना की है, और डाइट का भी बोला। पंछी भी बहुत कम हो गए हैं अब तो, बहुत दूर तक ढूंढने पर मिलते हैं। अच्छा अच्छा बहुत अलग डॉक्टर और अलग राय। ये टेस्ट करवा लो, वो टेस्ट करवा लो, कितने सारे टेस्ट करवाए। अच्छा। पर कुछ अच्छा होता ही नहीं है। तो डॉक्टर ने बोला कि कहीं घूम आओ। कुछ बोला आपने? या वो डॉक्टर बदलते हैं तो डाइट बदल जाते हैं, दवाइयाँ बदल जाती है, टेस्ट अलग करवाने पड़ते हैं, क्या क्या करना पड़ता है। फिर कुछ बात कर रहे थे, फिर कुछ अच्छा होता ही नहीं है। आ गए, आखिर आ ही गए। थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ी सी धूल लेकर आ गए। मगर वो कौन था जो मुझे देखकर भाग निकला? वो तो अरे वो कुत्ता देखकर डर गए होंगे शायद। अरे वो कह रहे थे कि एक बार गंगा किनारे कब्रिस्तान में कुत्ते उनके पीछे पड़ गए थे, सारी रात उनको खुली कब्र में बितानी पड़ी थी, और वो भी कीड़ों मकोड़े के बीच में, किसी को भी डर लगे।